नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। विद्या ने आपको टॉप 50 बताया, लेकिन आज दिन भर लगातार बड़ी कवरेज नोट का बजट या वोट का बजट। यानी साफ तौर पर, साफ शब्दों में, आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा कि ये बजट इस बार आपकी जेब पर भारी पड़ेगा या आपके जेब पर किफायती पड़ने वाला है। और आपको यहाँ ये बात समझाना बहुत जरूरी है कि हमने इसको कैटेगोरिकली बांट दिया है, यानी वो 6 लेंसेज के जरिए। और यकीन मानिएगा, उन 6 लेंसेज में से एक लेंस में आप जरूर अपने आप को फिट पाएंगे। जी हाँ, 6 लेंस की जो नजर है वो बजट की पूरी ABCD। नोटबंदी का रिटर्न गिफ्ट देंगे जेटली, ये बड़ा सवाल। सर्विस टैक्स लगाएगा जेब में आग, दूसरा बड़ा सवाल। उम्मीदों की वेटिंग लिस्ट बजट में कंफर्म होगी या नहीं। जेटली की पोटली से आम आदमी की लॉटरी लगेगी या नहीं, ये वो सारे सवाल हैं जिनके जवाब आसान शब्दों में, मैं आसान का इस्तेमाल कर रही हूँ, आसान शब्दों में आप तक पहुंचाने की कोशिश होगी। 93 साल बाद इतिहास बदलने जा रहा है। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री जब बजट पेश करेंगे तो नया इतिहास लिख जाएगा। कैसे? आम बजट और रेल बजट एक साथ होंगे और ये 93 साल बाद हो रहा है। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की उम्मीदों का लंबा कारवा उनके साथ होगा। नोटबंदी के बाद पहले बजट में उनके पिटारे से क्या निकलेगा, इस पर नजरें टिकी हुई है। इस बजट को मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों का बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट माना जा रहा है, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। नोट और वोट के बजट पर हमारी बारीक नजर है, लेकिन पूरी विश्वसनीयता के साथ। अब आप समझिए, सबसे पहले इस कवरेज की क्रेडिबिलिटी क्या है। 100% खरी है इस कवरेज की विश्वसनीयता, आपको बता दे 100% है। पहले पैमाना, यानी हमारा रिपोर्टर मौके पर मौजूद है या नहीं, तो बजट पर कवरेज के लिए हमारे रिपोर्टर्स मौके पर मौजूद है और अलग अलग इलाकों में मौजूद है। दूसरी विश्वसनीयता है, खबर की पुष्टि है या नहीं, तो आपको बजट पर आज हर खबर पूरी अपडेट के साथ जी न्यूज पर मिलती रहेगी। तीसरा पैमाना है गवाह या एक्सपर्ट्स की राय। तो आज बजट की कवरेज में हमारे साथ है अर्थव्यवस्था के कई बड़े एक्सपर्ट्स। बिजनेस को बहुत बारीकी से, इस बजट को बहुत बारीकी से समझने वाले हर एक्सपर्ट से आज आपकी मुलाकात होगी। और चौथा पैमाना है खबर की तकनीकी विश्वसनीयता का। तो आज जी न्यूज की टीम संसद से लेकर बजट की हर बारीक खबर को कंप्लीटली आप तक पहुंचाने के लिए तैयार है। फिलहाल आपको बता दें, देर रात IUML के जो सांसद है, मुस्लिम लीग के, यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद ई अहमद के निधन के बाद बजट को लेकर एक बड़ी खबर है। मुमकिन है कि आज पेश होने वाला बजट कल तक के लिए टल जाए। इस बारे में आखिरी फैसला लोकसभा की स्पीकर को लेना है। सांसद ई अहमद का निधन कल देर रात दिल्ली में हो गया था। रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, क्या खबर आ रही है? वैसे तो सरकार और स्पीकर के बीच में चर्चा चल रही है, बड़े बड़े मंत्रियों के बीच में चर्चा चल रही है, खुद अरुण जेटली से बात हो रही है, लेकिन जो हमें अभी तक जानकारी मिली, कोई फैसला नहीं हुआ। क्योंकि परंपरा है, सीटिंग MP का अगर डेथ होता है तो हाउस एडजर्न हो जाता है। लेकिन एक बात और हो रही कि बजट बार बार नहीं होता, साल में एक बार पेश किया जाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट होता है, पूरे देश की नज़रें होती है, अर्थव्यवस्था पर इसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो कहीं ना कहीं सरकार अभी ऊहापोह की स्थिति में, बताया जा रहा है कि थोड़ी देर बाद ही फैसला हो जाएगा। लेकिन परंपरा है, विपक्ष का दबाव होगा और एक ये भी एक कटसी भी होता है कि शायद इस बजट को कल तक के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए। फैसला अभी तक नहीं हुआ है, सरकार में चर्चा है, स्पीकर से बातचीत हो रही है, संसदीय कार्य मंत्री भी बात कर रहे हैं, वित्त मंत्री भी बात कर रहे हैं, हाईएस्ट लेवल पर चर्चा हो रही है, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हुआ है। संभावना दोनों पर है, विकल्प है, या तो बजट आज पेश कर दिया जाए, कल हाउस को एडजर्न कर दिया जाए, वैसे भी बजट के बाद हाउस एडजर्न होता है, लेकिन उनके सम्मान में कल भी हाउस को एडजर्न रखा जाए, या फिर आज हाउस को एडजर्न कर दिया जाए और बजट कल पेश किया जाए। फैसला नहीं हुआ है, चर्चा जारी है। रविंद्र, लेकिन आपको कितने चांसेस लग रहे हैं, दोनों ही पहलू अगर समझने की कोशिश हो, बजट का आज पेश होना या आज पेश ना होना, इसमें दोनों में से चांसेस किसके ज़्यादा होने के आपको अभी नज़र आ रहे हैं? आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं और कितना वक्त हमें कॉन्फर्मेशन के लिए इंतज़ार करना पड़ सकता है? देखिए, बजट 11 बजे पेश होना है और सरकार के जो आला मंत्रियों से मेरी बात हुई है, उनका उनकी बात से, उनके लहजे से यही लग रहा है कि शायद बजट को पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि परंपरा है, उसे निर्वाह करना ही पड़ेगा सरकार को।
विपक्ष का भी दबाव, विपक्ष के नेताओं से भी बातचीत हो रही है जो हमें जानकारी मिल रही है। कुछ संसदीय कार्य मंत्री जो विपक्षी दलों के जो नेता हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं और जो उनके पास फीडबैक आ रहा है, जो हमें जानकारी मिल रही है कि सबकी राय है कि इसको पोस्टपोन कर दिया जाए। हालांकि विपक्ष पहले भी इसको लेकर आरोप लगाता रहा कि सरकार ने चुनाव के दरमियान ही बजट क्यों रखा, प्रीपोन किया क्यों किया, लेकिन यहाँ मसला है एक सीटिंग एमपी का। बुजुर्ग एमपी थे, कई बार के सांसद रहे, पूर्व विदेश राज्य मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, कई तरह के उनके उनसे जुड़ा हुआ एक है, तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव है। और सबसे पहले कोशिश कीजिए कि हमारे दर्शकों तक ये खबर पहुंचाई जा सके। रविंद्र, आपको बीच पे रोक रही हूँ, लेकिन बहुत बड़ा फैसला अभी किसी भी वक्त आ सकता है, रविंद्र बता रहे हैं, और लोकसभा के स्पीकर को ये आखिरी फैसला लेना है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र तमाम जानकारी के लिए।